ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਜੁਮਲੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੁਝੇ ਮਾਲੂਮ ਕਹਾਂ ਰਾਤ ਕਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਰੋਜ਼ ਉਧਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਇਸਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਵਾਕਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਂ ਯੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਮੇਂ ਯੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੇਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੇ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਯੇ ਪਲੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਕੀਆ ਥਾ ਅਭੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪਲੇ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕਿ ਹਮ ਇਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੋ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ 21 ਔਰ 22 ਕੋ ਯਹੀ ਮੇਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਸਰਾਹਾ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬਤਾਏ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੁਹਾਣਾ ਪਾਈ ਕੀ ਕਹਾ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਾਡੀ कमाल का क्राउड है, मज़ेदार क्राउड है और इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतना यहाँ के लोग प्यारे हैं, बात को समझते हैं और इतना मुश्किल मैसेज लेकर जब आया तो लग नहीं रहा था कि यहाँ के लोगों को ये चीज़ समझ आएगी, लेकिन मैं इस बात से हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अमेजिंग क्राउड ऑफ फैसलाबाद और नो डाउट ये लोग थिएटर देखना जानते हैं, आर्ट की कदर करने वाले लोग हैं और आर्ट की व्यक्ति इस बात को आज मान गया हूँ। कमाल के थैंक यू सुरभि, आप ड्रामे में आपका क्या था, मीन देखो मैसेज क्या देना था आपने ड्रामे में? ड्रामे इसका मैसेज था मैडनेस, और मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, और हम सब पागल हैं चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, हम किसी न किसी जगह पे अपने एक हद पर आकर पागलपन का शिकार हो जाते हैं, तो उस पागलपन को लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। जैसे आजकल जो एक सनसनीखेजी, एक लाहट, एक लोगों के अंदर इस्तराब मिला, वो पागलपन में लोगों को दिखाना चाह रहा था। ये अभी आपके सामने पिछले दिनों एक वाक्य हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ग्रुप का, ना मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी ऐसा एक्शन जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचे वो बहुत बुरी बात है, और मैं समझ रहा हूँ कि काबू पाना चाहिए और इसी पागलपन को जब हम देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उसको काबू कैसे करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद आना कैसा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अपनाइयत मिली, और मतलब क्राउड बहुत अच्छा था, चीज़ों को समझते हैं और बहुत दाद देते हैं। थैंक यू। आपने पागल का सीन कितने दिनों में ये रिहर्सल की और क्या क्या किया इसमें, प्लीज़? एक महीना रिहर्सल की है और बहुत कुछ किया है हॉस्टल छोड़ के हम। वैसे आप पागल का सचमुच में रोल बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। यू वेलकम। आपको फैसलाबाद आना कैसा लगा? अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ के लोग बहुत ही प्यार करने वाले हैं और बहुत ही मेहमान नवाज हैं, और यहाँ के जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई वो यहाँ का खारा पानी है, चूँकि कोहाट में भी पानी खारा है, तो यहाँ पर मुझे बहुत अपनाइयत महसूस हुई। आप ड्रामे में क्या मैसेज देना चाहते थे? मैं ड्रामे में ये मैसेज देना चाहता था कि जिस तरह मैंने आमेजिश की है इसमें खटक और कथक की, कथक मैंने सीखा है मदाम इंदु मिठा जी से, जो कि 90 साल की हैं इस्लामाबाद में, और खुदा उनको और भी लंबी उम्र दे माशाल्लाह, तो उनसे मैंने कथक और भरतनाट्यम सीखा। तो मैंने फिर जब कथक सीखने के बाद मैंने कहा कि मैं क्यों ना इसको एक नए अंदाज़ में पेश करूँ, तो मैंने पश्तो की मौसीकी पे खटक डांस और कथक रक्स का एक मरकब बनाया, एक आमेजिश बनाई, जिससे मैं दुनिया को ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब खटक और कथक रक्स एक मंच पे, एक स्टेज पे साथ किया जा सकता है, तो मैं और आप प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते। ड्रामे का भी यही मकसद था, इस रक्स का भी यही मकसद था, और इसमें हम जितनी भी समाज में कमज़ोरियाँ हैं जो कि हमारे अपने ज़मीर के मर जाने की वजह से हैं, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और ये जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैसेज बस यही था कि हम लोग किस पागलपन का शिकार है आजकल का माशरा, हमें क्या, हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है, ठीक है, अवामी पागल था, एक झटका था, इनके साथ क्या क्या मसले हुए, क्या क्या, तो ये बताना चाह रहे थे हम लोग कि आजकल हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, हम भी पागल हैं, सब पागल हुए क्यों हुए, ठीक है, तो बस यही मैसेज था हमारा, और ये फैमिली प्ले था, काफ़ी अच्छा प्ले हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद में कैसा लगा आपको? फैसलाबाद बहुत अच्छा लगा, फैसलाबाद यहाँ के मज़े के हमने खाने खाए हैं यहाँ, और दुकानें भी घूमी हैं, काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ के लोग जो थे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेहमान नवाज हैं,
मतलब हमें फील हो रहा था कि हमारा ड्रामा यहाँ शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा, लेकिन यहाँ की ऑडियंस ने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और अच्छे से हमारा ड्रामा देखा है और बहुत तालियां बजाई और हमें बहुत मज़ा आया। और ड्रामे में क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों में यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर कोई पागल बना हुआ है, ठीक है, और अपने पागलपन को ठीक करो, किसी को पागल कहने की बजाय अपने आप को हमें ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात बहुत जो हालात हैं वो फिलहाल ठीक नहीं जा रहे, तो पागलपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, अपने आप को ठीक किया जाए। फैसलाबाद कैसा लगा आपको? फैसलाबाद आए, बहुत मज़ा आया है, चिल किए बहुत ज़्यादा, दो दिन यहाँ पे रहे, बहुत अच्छा इखलाक है लोगों का माशाल्लाह से और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं अच्छे लोग। ड्रामे में क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, आप क्या मैसेज देना? ड्रामे बेसिकली ये मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्री में चल रही है ना चीज़ें, ठीक है ना, अब देखा जाए तो मुख्तलिफ प्रोडक्शन बन गई हैं, जगह जगह पे प्रोडक्शंस बन गई हैं, ठीक है, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं देते। बेसिकली जो मेरा एक करैक्टर था, मेरा ये चीज़ मैसेज दे रहा था कि देख के चलना है, क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसे मतलब ज़ाया करके फिर यहाँ इस स्टेज पर पहुँचूँ अलहमदिल्ला, लेकिन यहाँ पे जिस जब मैं सर सूरज के पास आया तो उन्होंने मुझे कहा मैं कोई चीज़ आपसे नहीं लूँगा, आप कहना चाहते, मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू लिया, उसके बाद इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था अपने काम में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं अली कासिम हाशमी साहब और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा फैसलाबाद में आकर परफॉर्म करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद में परफॉर्म करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि फैसलाबाद की जो ऑडियंस है ये आम ऑडियंस नहीं है। जिसने फैसलाबाद में अच्छे मानों में परफॉर्म कर दिया और दाद ले ली फैसलाबाद के लोगों से, समझे कि उसने दुनिया जीत ली। जी तो मेरे साथ मौजूद है शाहरुख खान जो कि इनकलाबी एक पागल का रोल कर रहे थे। जी सर, कैसी लगी परफॉर्मेंस और फैसलाबाद की ऑडियंस कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस तो हमने अपना 100% दिया। जब हम निकले इस्लामाबाद से तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यार फैसलाबाद जाना है, जहाँ की ऑडियंस, जहाँ के लोग, जहाँ के खून और मट्टी में ही जो है वो आर्टिस्टिक और पता नहीं फन जो है ना वो लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी कि यार हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन रियली जब हम यहाँ पर आए हैं तो सीरियसली दंग रह गए कि यार फैसलाबाद की ऑडियंस वाकई में थिएटर को, जो रियल थिएटर है उसको सपोर्ट करती है, ना कि सिर्फ वो टिपिकल कल्चर और वही सारा कुछ थिएटर, लेकिन जो असल मायने में जो थिएटर है उसको वाकई बहुत पसंद करते हैं। तो आज हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर परफॉर्म करके और ऑडियंस से मिलके। और रास्ते में किसी फैसलाबादी से वास्ता तो नहीं पड़ा आपका, कहीं कोई जुगत वगैरह पड़ी हो? मज़े की बात बताऊँ तो जब हम आए यहाँ पर और हमने डिफरेंट होटल्स में खाना खाया तो इवन वहाँ के जो वर्कर थे वो हमें कह रहे थे कि आप लोगों को खुद फैसलाबादी जो है वो रंग चढ़ गया है। तो मतलब हम इस्लामाबाद से मम्मी डैडी बन गए लेकिन यहाँ के हम इतना ज़्यादा वो बदल गए कि पता नहीं, अब हम खुद हमें ऐसे लगने लग गया कि हम खुद एक फैसलाबादी जुगतबाज बन गए। मतलब फैसलाबादी पानी असर कर गया, पानी असर कर गया, रंग ले आया वो। और बहुत और दूसरी बात जो हमने रिसेंटली जो कल परफॉर्मेंस देखी अमजद साहब के प्ले की, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिली और दैट वाज रियली अमेजिंग के, और हम भी बहुत ज़्यादा अमेज दैट कि इतने यंग मतलब लोग और वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उनमें टैलेंट और इतना फिट एक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें उससे ज़्यादा और ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी आई और एक वो चीज़ हमारे अंदर कि हमने भी अपना 100% बल्कि 200% देना। बहुत अच्छा रहा। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सेकंड प्ले था और मैंने सिर्फ 3 घंटे में रिहर्सल की थी, तो जितना भी हो सका वो बहुत अच्छा रहा मेरा।